हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप ठीक होगे। बेटा, आज हम क्लास फर्स्ट की स्टडी करेंगे, मैथ्स की। वीडियो नंबर हमारी कौन सी है? वीडियो नंबर हमारी 8 वीडियो है, ठीक है। वीडियो नंबर 8 है। एक्सरसाइज जो हमारी है 1.8 है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो कंप्लीट करवा दी है, एक्सरसाइज 1.7 तक। ओके स्टूडेंट, तो आज हम कौन से सम करेंगे? आज हम मल्टीप्लीकेशन वाले सम करेंगे, मल्टीप्लाई वाले सम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी सम करने से पहले हमें एग्जाम्पल में हमें सम बता रखे होते हैं समझाने के लिए। देखो, ऊपर भी दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5 है, 3 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आंसर आया? 12 आया। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आया? 3 आंसर हमारा आया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, बॉक्स 1 इज डन फॉर यू। ये जितने भी सम दे रखे हैं आपको खुद से करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है, जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका कितना है, इसको टेबल के अकॉर्डिंग करना है, टेबल रीड करना, तब आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। आपकी गलती भी नहीं होगी अगर आप अच्छे से टेबल आपको लर्न होंगे, तो आप सारे सम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है एंड 4 दे रखा है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करके बता रखा है? 4 से। 4 जो 16 और 4 5 जो 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर नेक्स्ट जो दे रखा है 2 नंबर पे, ये कितना है? 9 है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आया है? 45। अब 5 का टेबल 9 में पढ़ोगे तो आपको आंसर, आपको यही आंसर दिखेगा 45। आपको मैं एक बार रीड करके बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, 5 7 जो 35, 5 8 जो 40, 5 9 जो 45। कितना आंसर आया देखो? 5 9 जो 45। देखो 45 मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो ऐसे ही आपको आपको भी टेबल रीड करने हैं, तब आप अच्छे से आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 2 है। 2 का टेबल हम 8 बार रीड करेंगे तो कितना आएगा? 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। कितना आंसर आया बेटा? 16 आंसर आया। देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने 16 लिख रखा है। नेक्स्ट सम जो है आपका, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आंसर आया? 27 आपका आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट सम है 5, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया? 32 आया है। देखो बेटा, मैंने आपको कुछ सम पहले से ऑलरेडी करके दिखला रखे हैं कि आपको, मेरे को, मैं आपको समझाऊँ तो आपको करने में आसानी हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 6 सम पहले ही, 8 सम पहले ही करके सॉल्व करके रख रखे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 का टेबल 2 और रीड करोगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो जो हमारे वीडियो नंबर 8 के जो सम थे मल्टीप्लीकेशन वाले, मल्टीप्लाई वाले, वो 6 8 सम मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी के सम आपको खुद करने हैं, किस में करने हैं? नीट एंड क्लीन आपको अपनी बुक में ही करने हैं, ठीक है। तो इतने सम मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट जो सम है 9 to 20 आपको खुद करने हैं, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आता है तो आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, है यहाँ से बैक कॉल आ जाएगी आपको समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।